तकदीरी के साथ बदलते भारत की शान। इस पापिन की क्या किया जाए? मंदल सासा सही कह रहे थे, ये पापिन गांव में रहेंगी तो इस गांव की कभी मंगल नहीं होगी। तो उसे भगाना ही होगा। मंदल सासा ने भी कोशिश किया था। सिर्फ मंडल चाचा ही नहीं, पराई के साथ साथ और कोई कोई कोशिश कर रहे हैं। आज रात को निकलना, उसे डराऊंगा। घर जला दूं क्या? घर ही नहीं रहेंगे तो यहाँ कैसे रहेंगे? वो सब बाद में, पहले आज उसे डराते हैं। वो देखो व्यापारी आ रहे हैं, चलो चंदा लेते। चंदा? वो किस लिए? कह देंगे कि लाइब्रेरी बना रहे हैं, बहुत कमाया है उसने। चलो रुकिए रुकिए रुकिए। कहिए, हमें चंदा चाहिए। किस लिए? हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाया है, आते समय शायद आपने देखा होगा। अच्छा, ये लीजिए। 500 लीजिए। मैं 100 ही दे पाऊंगा। गांव का बदनाम करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आप बुरा मत मानिए। लाइब्रेरी के लिए दिया था। आप जाइए, इन्होंने मजाक किया था। धन्यवाद। हमने चंदा लिया तो तुम्हें क्या हुआ? किस काम के लिए चंदा ले रहे हो? गांव का बदनाम करना चाहते हो? सबको बुलाओ क्या? देख लूंगा तुम्हें, आज ही पता चलेगा कौन बचाता है तुम्हारी सूर बना भाभी को। सुरवाला को गांव से भगानी ही होगी। इस पापिन को गांव से हटानी ही होगी। वो अगर गांव में रहेगी तो गांव की बदनामी और ज्यादा होगी। इसके कारण दूसरे गांव के लोग हम पर हंसते हैं। आज रात को 10 बजे तुम लोग आ जाना। चल। सुरवला भाभी के घर में किसी ने हमला किया है। हाँ, मैंने भी आवाज सुनी है। हाँ, अब चलिए चलिए। हाँ, चलो चलो चलिए। मैं भी चलती हूँ। मत करो।
हमारे इस गांव में एक नारी के साथ अपमान हुआ है और यह अपमान हमारे औलादों ने की है। हम सभी को इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। सातुला ने सही कहा है। तुम लोगों ने इतना घटिया काम करती क्यों हो? हाँ बोलो। अब चुप क्यों हो? ऐसा घटिया काम तुम लोगों ने क्यों किया? हमें ऐसा करने को मंडल चाचा ने कहा था। इन्होंने कहा था कि सुरवाला भाभी ने नामघर को अपवित्र की है। उसके कारण गांव में अमंगल होगी। अगर वो गांव में रहेगी तो गांव में रोज नए नए मुसीबत आएगी। छी छी मंडल, तुमने ऐसी घटिया बात कही। मैंने इन्हें ऐसा करने को नहीं कहा था। दरअसल बड़ाई की बात सुनने के बाद और इस गांव के दुर्घटना की बात मैंने गुस्से में कह दिया था। मगर इलक सचमुच ये कर बैठेगा मुझे मालूम नहीं था महाजन। अगर ऐसी हालत में हम गांव के बुजुर्ग लोग ही ऐसा करने लगेंगे तो गांव में शांति कहां से आएगी? गांव के निम्फ को हम जैसे बुजुर्ग लोगों को ही संभाल के रखना पड़ेगा। तुमने सही कहा है मास्टर। गुरुजी ने हमें किसी से भेदभाव रखने के लिए मना कर गई है। उनके आदेश को हम ना मानकर तुसी क्यों बोले? जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसे तो ना होना नहीं कर सकते। ये अपराध है। भावना से पहले हम लोग नामघर में जाकर भगवान से आशीर्वाद लेंगे और इन बदमाशों को सुरवाला से माफी मांगनी पड़ेगी। अब हमें भी अपनी औलाद ही समझकर उन्हें माफ कर देंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर भविष्य में वे ऐसा ही काम करें तो उन्हें उचित दंड दिया जाना चाहिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप लोग हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, भविष्य में ऐसा मत करना। और कल से तुम लोग खेत में आ जाना। जी। श्रीकांत भैया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब हम पहले जैसा नहीं रहे, अब हम भी अच्छा आदमी बनेंगे। अरे तुम लोगों को साथ लेने के लिए हमने तो इनकार नहीं किया था, तुम लोग ही हमारे साथ आना नहीं चाहते थे। हमसे गलती हो गया भैया, हम लोग भूल गए थे कि हमें भी खेती का काम करना चाहिए। सुरवाला भाभी ने भी वही कहा। इसका मतलब तुम लोगों ने सुर भाभी से माफी मांगा, लेकिन सुर भाभी ने तुम लोगों को माफ किया कि नहीं? क्यों माफ नहीं करेगी? भाभी ने गाली की बजाय हम पर प्यार बरसाई। अब समझ में आया प्यार का महत्व क्या होता है। तुम लोग जाके कमल से बात कर लेना, वो समझा देंगे क्या क्या करना है। ठीक है, अब जाओ। ठीक है भैया, चलते हैं। इन्हें क्या हुआ? अब से ये यही हमारे साथ ही काम करेंगे। सूर भाभी ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही बात है। श्रीकांत भैया, आप लोग एक बार बराई के घर जाके आना। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। अरे अचानक उन्हें क्या हो गया? एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा कपड़े वपड़े बदल के वहाँ चले जाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग जल्दी पहुँचते हैं, तुम लोग जाओ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। बोराई ठीक हो जाएगा। अरे कल तक चलती फिरती जथाई को आज अचानक क्या हो गई है? 2 दिन से कुछ नहीं खाई है। सुबह अचानक वो तालाब के पास गिर पड़ी, मैंने देखा और पुण्यराज जथाई को बुलाया और दोनों ने यहाँ पर लेके आई। मेरे ख्याल से इन्हें अस्पताल ले जाना ही बेहतर होगा। इनके देखभाल के लिए लाडली नातिन के सिवा और कोई नहीं है।
और उनका पति भी यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए किसी ना किसी को तो यहाँ रहना ही होगा। तुम लोग एक काम करो, बोराई को मेरे घर में ले चलो। दोनों बच्चों को छोड़कर मैं तो यहाँ नहीं रह सकती ना, और नातिन को भी साथ में ले चलो। लेकिन नातिन अभी है कहाँ? वो अभी स्कूल गई है। हाँ, एक काम करते हैं, नातिन के आते ही इन्हें हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, चलो। बोराई, थोड़ा दूध पी लीजिए। नहीं अभी नहीं। थोड़ा तो पीजिए। नहीं बच्ची, अभी नहीं, बाद में पी लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ। हाँ। अरे जथाई आइए ना, बैठिए। बोराई, अब तबीयत कैसी है? थोड़ा अच्छा हुआ है, मैं तो अच्छी हो गई हूँ। ये मुझे जाने से रोक रही है, आज सुबह मैं बाहर घुमा के भी लाई। कुछ दिनों तक मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। सूर सही कह रही है। हाँ, जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो यहाँ से जाने की नाम मत लो। घर में जाकर क्या करोगी? मेरी जख्म पर नमक मत डालो। किसी जन्म की पुण्य के फल उसकी जैसे बहु मिली है, इसी ने मुझे मरने से बचाया। मुझ जैसे को इतना प्यार दिया, मेरी इतनी सेवा की। नहीं बोराई, द्रौपदी
चंद्रमा के अंत अंधेरा हो जाता है। भावना खत्म होने को है, मेरे साथ साथ तू भी भावना देख नहीं पाई। नहीं देखा तो क्या हुआ, यहाँ से तो सब कुछ सुन रही हूँ। अगले साल आप और मैं दोनों अच्छी तरह से देखूंगी। सुरबाला, भावना, भावना खत्म हुआ, सुबह हो गई। अपरा धोबी ना होनो तो जुना में नारायणो। कल्याण खरमन बज रही है, सुबह हो गई है। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे वसंत, खेत जा रहे हो? जी हाँ भाभी, सुबह अगर खेत ना जाऊँ तो मन अच्छा नहीं लगता। तुम लोग पढ़ लिख कर भी खेत में काम कर रहे हो, ये देखकर बहुत खुशी होती है। हाँ सुना है भावना बहुत अच्छा हुआ है। जी हाँ भाभी, गांव के लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन आप और बराय को भावना देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। वो तो है, पर बराय की सेवा करना भी तो मेरी फर्ज बनती है ना। भाभी बराय की हालत अभी कैसी है? वो पहले से बहुत स्वस्थ हो चुकी है, उन्हें मैं कुछ दिनों तक मेरे घर में ही रखूंगी। जब उनके पति आएंगे तभी मैं उनको अपने घर जाने दूंगी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया भाभी। वो अकेली अपने नातिन के साथ कैसे रह पाएगी? अच्छा भाभी, बराय की नातिन स्कूल जा रही है ना? हाँ, हमारे इन दोनों के साथ वो भी स्कूल जा रही है। भाभी फुर्सत मिले तो आप भी खेत में आ जाइया कीजिए। हाँ मैं भी सोच रही हूँ। तो कल से आ जाइए, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। जाओ। काम कर रहे हो? जी भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ समाबाय जा रही हूँ। हाँ तुम नहीं जाओगे क्या? चलो ना तुम भी चलो, उन्हें हम थोड़ा मदद करते हैं। भाभी हमने आपको गलत समझा था, हम लोग आज भी बहुत शर्मिंदा हैं। फिर वही बात, तुम लोग मेरे भाई जैसे हो। और सुनो, सुबह का भूला अगर शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। अब तो तुम लोग पहले जैसा नहीं रहे भाभी। कभी कभी लोगों से गलती हो जाते हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। हाँ और एक बात, मैं एक हैंडलूम फार्म खोलने वाली हूँ, तुम्हारी बहन को मेरे पास भेज देना, वो भी मुझे कुछ मदद कर पाएगी। भाभी ये तो बहुत अच्छी खबर है, कब से शुरू कर रही है? अगले महीने से, श्रीकांत और साथियों ने सब इंतजाम कर दिया है। अगर समबाय नहीं होती तो मैं इस काम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जी भाभी, उनके आदर्शों को हमें सम्मान देना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम भी यादव के साथ आ जाना। भाभी यादव घर में नहीं है, वो मामा के घर घूमने गया है। हाँ तो फिर तुम सुमित को लेकर आना, ठीक है?
अरे भाभी आप हैं? भाभी बराई कैसी है? वो लगभग अभी स्वस्थ है, कुछ दिन हमारे घर में ही रहेंगी। श्रीकांत और तारा कहाँ हैं? आप तो जानते हैं भाभी, श्रीकांत भैया हमेशा नए नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं। वे कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं और तारा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उससे कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। भाभी सुना है कि आप हैंडलूम फार्म खोलने वाली है? ये मुमकिन हुआ है सिर्फ श्रीकांत के कारण। बहुत अच्छी खबर है, कंग्रेचुलेशन भाभी। बाबू मैना की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, इस बार परीक्षा में दोनों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। भाभी बाबू मैना के ख्याल रखिएगा, वक्त मिले तो हम भी पढ़ाई की खबर करेंगे। इस बार गर्मी के छुट्टी में कुछ बिनमोल की पढ़ाई की कड़ी सूची बनाई है, शाम को 2 घंटे वहाँ पढ़ाएंगे। बाबू मैना को भेज दीजिए। तुम लोग हमेशा गांव के भलाई के लिए ही काम करते हो भाभी, ये हमारे फर्ज बनता है। नगन भैया हमें बहुत सारी बातें सिखा के गए हैं और समवाय बनाने के लिए वही हमें हौसला दिए हैं। फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है, मगर आप जैसे एक हिम्मत वाले भाभी हमारे बीच में है। बोला तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, चाहे तुम्हें कितना भी दुख ना हो ऐसे सदा मुस्कुराते रहना। जीवन तो एक संग्राम ही है, चाहे दुख हो या सुख हो हिम्मत करके जिंदगी की लड़ाई जरूर लड़नी होगी। भाभी भाभी क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, कभी कभी ऐसे ही उनकी याद आती है। बसंत श्रीकांत भैया नहीं है क्या? वो कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। उन्होंने हमें गोबर ऑर्डर करने को कहा था, सुंदरपुर गांव में गोबर मिला तो कल सुबह लेकर आना। ठीक है, हम कल लेके आएंगे जी। सुरेन और सुनीत तुम लोगों के इस बदलाव ने हमें बहुत खुशी दी है। भाभी अब से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तुम लोग हमेशा इनके कहा मानना, जिंदगी में जरूर कामयाबी मिलेगी। भाभी हम आपके हैंडलूम फार्म देखने जाएंगे, फार्म के लिए एक मार्केट की जरूरत होगी। शहर में 2-4 दुकानों से श्रीकांत ने बात की है, दुकानों का इंतजाम हम कर देंगे। गिरी भैया आजकल लड़का लड़की सब एक समान है, लड़कियाँ सब कुछ कर सकते हैं, कपड़े बिकने का जिम्मेदारी हम सब पर है। भाभी आप पहले कितने हाल रखेंगे? श्रीकांत ने 3 हालों के बंदोबस्त किए हैं, एक लोन भी अप्लाई किए हैं, लोन हो जाने के बाद और 4-5 हाल ले लेंगे। ओ भाभी श्रीकांत ने जो कहा है आप बेफिक्र आगे बढ़िए। मैं तो हमेशा कोशिश करूंगी। यहाँ पर इतनी गठनमूलक आलोचनाएं चलती है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हमारे समुदाय की मूल मुकाम है मैनावती गांव की तरक्की करके बेरोजगारों का समस्या का समाधान करना और हर एक को बस्तर के साथ सामना करवाना।